हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका रेडियस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट चैप्टर को फुल डिटेल में। तो पहला वीडियो इसका हो चुका है जिसमें हम लोग आज देखेंगे उसका रिकैप कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को शुरू करते बच्चे। बात करते हैं गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट चैप्टर का। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि जो गार्बेज हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। तो गार्बेज को हम लोग किस प्रकार से घर के अंदर रखेंगे या घर से बाहर रखेंगे, कुछ उसका उपयोग भी हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि हमारे ये जो जिंदगी है, हमारा ये जो इकोसिस्टम है, इसको स्वच्छ रखने के लिए गार्बेज को सही तरीके से रिड्यूस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए देर न करते हुए समझते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे इस चैप्टर से। देखिए बच्चे, बात करते हैं रिकैप की। तो हम लोग पहले पढ़े थे गार्बेज क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय गार्बेज। तो गार्बेज के बारे में हम लोग बात किए थे कि गार्बेज वो सब्सटेंसेस होता है जो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि इसको घर के बाहर इसको फेंकना ही पड़ता है। जैसे जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह ये सबका पील्स वगैरह होता है उसको फेंकना पड़ता है बाहर। पॉलिथीन, कागज, ये सब जो भी होते हैं जो हमारे काम का नहीं रहता है, जिसको अब घर में रखना एक कचरा के समान हो जाता है, उसको बाहर फेंक देते हैं, उसी चीज को गार्बेज कहा जाता है। यानी कि वेस्ट मटेरियल्स विच आर टेकन आउट फ्रॉम आवर हाउसेस आर नोन एज गार्बेज। तो गार्बेज का मतलब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे गार्बेज के बाद पढ़े थे लैंडफिल्स। क्या पढ़े थे? लैंडफिल्स। लैंडफिल्स के बारे में ये बताया गया है कि लैंडफिल्स वो जगह होता है जहां पे गार्बेजेस, यानी कि जहां पे कचरा को फेंका जाता है, वेस्ट मटेरियल्स को फेंका जाता है। बड़े बड़े महासगरों, मतलब जो महानगर हैं, जैसे आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, पटना हो गया, ये सब बड़े बड़े महानगर है। वहां पे अगर देखोगे तो साइड में कहीं पे बहुत सारे कचरा फेंका रहता है, एक जगह पे कचरा का ढेर लगा हुआ लगता है, बिल्डिंग खड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस तरह के जो कचरा का जो जगह है जहां पे उसको फेंका जाता है, उसको बोला था लैंड फिल्स, ठीक है। क्योंकि लैंड फील होता है कचरा के माध्यम से भी, ठीक है। कहीं पे गड्ढा बहुत ज्यादा है, तालाब उलाब है, पोखरा उखड़ा है, जो जहां पे देखोगे कि बहुत सारे राख वगैरह जो भी कचरा होता है उसको में डाल दिया जाता है, वो क्या हो जाता है, वो फील होते धीरे धीरे भर जाता है, फील हो जाता है, ठीक है। तो उसी जगह को लैंड फील्स बोला जाता है, यानी कि लैंड फील्स वो जगह है जहां पे कचरा को फेंका जाता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ गार्बेज की। तो गार्बेज दो प्रकार के होते हैं। गार्बेज पहला होता है जिसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो सड़ गल सकता है, जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करता है, उसको बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जिस पे अपघटित जिसको हो सकता है ना, जिसको अपघटित हो सकता है, अपघटित हिंदी में बोलते हैं उसको, सड़ गल सकता है, जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कागज वगैरह है, कागज, लकड़ी, ये सब हो गया, छिलका वगैरह जो होता है सब्जियों का, तो वो सब क्या हो जाता है, जल्दी से सड़ गल जाते हैं, तो उसको बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं भाई, तो उसका मतलब ये होता है कि जो सड़े गलेगा नहीं, जल्दी से सड़े गलेगा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब जल्दी से सड़ता गलता नहीं है, शीशा हो गया, तो ये सब के सब नॉन बायोडिग्रेडेबल में कहे जाते हैं। तो ये था हमारा रिकैप, यानी कि जो पहले हम लोग पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, उसका क्या हो गया रिपैक, हम लोग रिकैप कर लिए इसको। तो चलिए स्माइल दे दीजिए। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे समझते हैं। तो यहां पर देख लीजिए कि पहला जो टॉपिक है बच्चे उसका क्या है, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है। ये बायोडिग्रेडेबल है हमारे पास, बायोडिग्रेडेबल गार्बेज की बात करते हैं जिसको बीजी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको हम लोग एनवीजी से डिनोट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला जो है ये क्या होता है, फर्स्ट वाला की अगर बात करें तो बायोडिग्रेडेबल जल्दी से डिग्रेड हो जाता है, सड़ जाता है, तो ये डिग्रेड कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, और इस पर बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया वो क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया जिस पे एक्ट कर सकता है, जो सड़ गल सकता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, बायोडिग्रेडेबल कहलाएगा। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि डू नॉट डिग्रेड, डिग्रेड मतलब कि सड़ेगा गलेगा नहीं, और इस पे बैक्टीरिया जो है वो डू नॉट वर्क, बैक्टीरिया जो होता है वो वर्क नहीं करेगा, बैक्टीरिया
नॉट वर्क करेगा, ठीक है, बैक्टीरिया जिस पे वर्क नहीं करेगा। दूसरा क्या हो सकता है, जो हमारे पास ये जो है बायोडिग्रेडेबल है, तो इसकी अगर चर्चा करते हैं तो बायोडिग्रेडेबल का मैन्यूर बन सकता है, कंपोस्ट बन सकता है, ठीक है, तो मैन्यूर बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, मैन्यूर या तो कंपोस्ट जिसको बोला जाता है, कंपोस्ट इसको बना सकते हैं, और इसका ऐसा कंपोस्ट वगैरह नहीं बन सकता है। यानी कि मैन्यूर की बात करें या तो कंपोस्ट की बात करें तो ये नहीं बन सकता है, कंपोस्ट ये सब नहीं बन सकता, ठीक है। तीसरा क्या बात कर सकते हैं, तो इसमें बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं तो बायोडिग्रेडेबल हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि ये सॉइल वगैरह को क्या करता है, फर्टिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो सॉइल को क्या कर देगा, सॉइल को फर्टाइल कर देगा, सॉइल फर्टाइल, ठीक है, फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, फर्टिलिटी इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और इसकी अगर बात करते हैं तो सॉइल के फर्टिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, सॉइल फर्टिलिटी जो है उसको, फर्टिलिटी को और ये डिक्रीज कर देगा, ठीक है। ये जल्दी से क्या कर देता है, थोड़ा बैड स्मेल देता है, और ये कहने का मतलब ये जल्दी से बैड, मतलब कि बैड स्मेल स्पॉइल कर सकता है, ये क्या हो सकता है, स्पॉइल कर सकता है, और ये स्पॉइल नहीं कर सकता है, स्पॉइल नहीं करेगा लंबे समय के लिए, स्पॉइल नहीं करेगा, स्पॉइल जो होता है नहीं करेगा, और ये लंबे समय के लिए बहुत दिन तक ये नेचर में रहेगा, ढेर रहेगा, एक तरह से बिखेर सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, ये एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के तौर पर आप देख सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल्स है इसमें हो गया पेपर हो गया, ठीक है, पेपर हो गया, वेजिटेबल्स का पील्स हो गया, वेजिटेबल्स पील्स हो गया, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए एग्जाम्पल्स में तो इसमें हो जाएगा प्लास्टिक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ये सब इटीसी, ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो चार पांच पॉइंट काफी है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टर्म्स की, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। देखिए कंपोस्ट मतलब क्या होता है कि जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है उन सभी को क्या किया जाता है, जमीन के अंदर गड्ढा खान करके उसके अंदर डाल दिया जाता है, उसको ढक दिया जाता है, कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाता है, कंपोस्ट में तैयार हो जाता है, बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। उसको जल्दी करने का तरीका हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास जो केचुआ होता है जिसको बोलते हैं उसको अर्थवॉर्म बोला जाता है, तो अर्थवॉर्म की सहायता से अगर हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं ना बच्चे, तो उसको बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। यानी कि जो कंपोस्ट हम लोग तो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कंपोस्ट तो बना रहे हैं, ठीक है, कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ, हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, जिसको अर्थवॉर्म बोल रहे हैं, अर्थ वॉर्म की सहायता से अगर हम लोग कंपोस्ट कर रहे हैं, वो जल्दी से सड़ाने में मदद करता है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी खाता है वो ना, तो ये उसको वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे, वॉर्म की सहायता से। देखिए यहाँ पे वॉर्म लिखा हुआ है ना, तो वॉर्म की सहायता से जो बना उसको बोलेंगे वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। यानी कि वॉर्म की सहायता से, केचुए की सहायता से जो कंपोस्ट तैयार किया जाता है, और जो कंपोस्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल का बनेगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल का कंपोस्ट नहीं बन सकता, ठीक है, तो उसको बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। समझ में आ गया बात, वर्मी कंपोस्ट किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू मैनेज एनबीजी, यानी कि इसको बोला जाता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स है वो तो हमारे नेचर में खत्म होता नहीं है, उसको खत्म होने में यानी कि डिग्रेड करने में बहुत लंबा समय लग जाता है, 100 साल से भी ऊपर लग सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे नेचर में जो है मौजूद है इकोसिस्टम है, उसको किस प्रकार से हम इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि ये अगर रहा नेचर में तो बहुत ज्यादा हानि कर सकता है, ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग करते हैं। अब देखिए उसका एक तीन फॉर्मूला है, 3R है, है ना, 3R फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, यानी कि हाउ टू मैनेज एनबीजी यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, तो उसको हम लोग 3R फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, 3R फॉर्मूला जो है उसको से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, 3R फॉर्मूला। अब देखिए 3R फॉर्मूला क्या है, तो पहला जो है फर्स्ट आर जो स्टैंड फॉर, फर्स्ट आर देखिए स्टैंड कर रहा है रिड्यूस पर, किसका मतलब, फर्स्ट है रिड्यूस पे, रिड्यूस, रिड्यूस कहने का मतलब क्या हुआ, पॉलिथीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना जी, हर एक जो सामान लाते हैं हम लोग बाजार से, तो उन सभी के में
पॉलिथीन दिया जाता है। बहुत सारे देश जो है विकसित देश है, हमारे कंट्रीज में भी एक दो बार क्या हुआ है, बैन हुआ है पॉलिथीन को। तो पॉलिथीन को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया बहुत सारे कंट्रीज में। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, रिड्यूस करना है, यानी कि जितने भी प्लास्टिक मटेरियल्स जो है ना, प्लास्टिक पॉली बैग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम लोग कम यूज करेंगे, उसके जगह पे हम लोग थैला लेकर के जाएंगे मार्केट। साथ साथ क्या कर सकते हैं, तो हम लोग पॉली बैग्स जो आता है, कागज का भी बैग्स आते हैं आजकल, कागज का हो गया, जूट का बैग हो गया, उन सब का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सब सड़ गल जाता है जल्दी से, यानी कि बायोडिग्रेड हो जा सकता है। तो उसको बोला जाता है रिड्यूस करना, रिड्यूस मतलब कम यूज करना, ठीक है। रिड्यूस मतलब क्या करना, कम यूज करना, हम लोग कम यूज करेंगे तो हमारा बात खत्म हो जाएगा, कम इस्तेमाल करेंगे, कम यूज करना है, कम यूज करना है उसको रिड्यूस कहेंगे, ठीक है। इसके जगह पे हम लोग का सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब जूट का बैग इस्तेमाल कीजिए, जूट का, ठीक है, कॉटन का, ये सब बैग इस्तेमाल कीजिए, तो हमारे प्लास्टिक बैग इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस। तो इससे क्या हो सकता है, मैनेज कर सकते हैं हम लोग। दूसरा चीज क्या है, रीयूज है। देखिए रीयूज हम लोग घर में बोला जाता है कि भारतीय लोग बहुत ज्यादा जुगाड़ू होते हैं, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार वाले लोग और थोड़ा ज्यादा जुगाड़ू होते हैं। तो रीयूज की बात कर रहे हैं, क्या है, रीयूज की बात। रीयूज कहने का मतलब दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, पहले विश्वास करें, है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करेंगे फिर उसको फिर से दोबारा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे, सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं कि हॉर्लिक्स का डब्बा लाते हैं, हॉर्लिक्स उसमें से खा जाते हैं, हॉर्लिक्स खत्म हो जाता है, तो उसमें मम्मी क्या कर देती है, उसमें अचार वगैरह रख देती है, भूंजा रख देती है, और भी कुछ कुछ सब्सटेंसेस उसमें अचार के साथ साथ रखा जा सकता है। तो उसका इस्तेमाल हम लोग दोबारा कर लिए, उसको फेंके नहीं, उस डब्बे को फेंके नहीं, उसमें और कुछ इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। पेप्सी हम लोग ला कर पी जाते हैं, पेप्सी बच जाता है जो खत्म हो जाता है, उसके बाद जो डब्बा रहता है, डब्बा का इस्तेमाल हम लोग पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सब क्या हो गया, रीयूज हो गया, क्या हो गया, दोबारा से हम लोग इस्तेमाल कर लिए। तो रीयूज भी करेंगे तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इस सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को। समझ में आ रहा है बात, तो रीयूज करना है। उसके बाद क्या करना है, रिसाइकल। रिसाइकल लास्ट टर्म होता है, तो रिसाइकल कहने का मतलब क्या हुआ भाई, तो रिसाइकल मतलब हो गया रिसाइकल। रिसाइकल मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जितने कचरा वाले लोग आते हैं, जो कचरा उठाने वाले लोग, कचरा वाले नहीं, कचरा उठाने वाले जो लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, वो जितने भी प्लास्टिक वगैरह जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, उसको एक जगह छांट लेते हैं, बायोडिग्रेडेबल को एक जगह छांट देते हैं, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल को ले जाते हैं फैक्ट्रीज में। अब जो बोतल वगैरह जो खराब हो गया है, जिसका इस्तेमाल हम लोग अब नहीं कर रहे हैं, उसको फैक्ट्री में डाल करके, उसको रिफाइन करके, उसको फिर से रिसाइकल कर दिया जाता है। रिसाइकल मतलब नया प्रोडक्ट फिर से बना दिया जाता है और फिर से उसको मार्केट में ला दिया जाता है। तो इससे क्या हुआ, जो प्लास्टिक पहले से मौजूद है, वो सब फिर से इसमें यूज में आ गया, ठीक है, फिर से नया उसका प्रोडक्ट बन गया, फिर वही इस्तेमाल साइकिल चलते रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3R फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो गार्बेज है, उससे छुटकारा पा सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन था इस चैप्टर का था, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, ये बेसिकली 6th क्लास स्टैंडर्ड का है, लेकिन आप कोई भी क्लास के जो भी बच्चे हैं, या तो जो पढ़ भी नहीं रहे हैं अभी, ठीक है, वो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उससे कोई घाटा होने वाला नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये हमारा जो एक्सप्लेनेशन है बच्चे, वो समझ में आ गया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे ही मोर अमेजिंग वीडियोज के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।